बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मर्सीफुल द मर्सी गिविंग। वेलकम अगेन फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोसोम। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। दे हैव फॉलोइंग फंक्शंस, जेनेटिक कोड स्टोरेज। फर्स्ट फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ जेनेटिक कोड। Contains genetic material by organism to develop and grow in the form of genes. Actually, chromosome contains genetic code or the information about all genes which control the development and growth of the organism. Sex determination means sex determination, male or female, help in determining sex. Like in humans, double X chromosome. Double X chromosome determine the female, while XY chromosome determine the male. So sex determination is also the function of chromosome. Control of cell division. The chromosome of the parent, cells ensure that correct information and number is passed on to daughter cell during mitosis. So to ensure the correct information from parent cell to daughter cell is also the function of cell division. Formation of proteins and storage. If the protein formation is the function of genes, and genes are in the form of chromosomes, so the ultimate function of chromosome is the formation of proteins and its storage. Chromosomes direct the sequence of proteins found in our body and also stored in chromosomes in the form of histone proteins. So the histones are also proteins, so these are also found by DNA. DNA is in the form of chromosomes, so some proteins are stored in chromosomes and some proteins are used in the body for proper functioning. So the histone proteins that help in proper packaging of DNA. DNA packaging protein is called histone proteins. Prokaryotic versus eukaryotic chromosome. Prokaryotic chromosome and eukaryotic chromosome found in cytoplasm. Circular chromosome. Prokaryotic chromosome is found in cytoplasm. There is no nucleus in the prokaryotic cell, so it is found in cytoplasm only. It is circular chromosome, single chromosome plus plasmid. There is two type of DNA. One is single chromosome and the extra chromosomal DNA is called plasmid. Made up of only DNA, copies its chromosomes and divides immediately. इसका जो डीएनए होता है वो क्या है, जल्दी से कॉपी होता है और वो फिर जल्दी ही डिवाइड हो जाता है। फाउंड इन न्यूक्लियस, बिकॉज यू मीन ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस, मीन्स द सेल विच कंटेन अ ट्रू वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। सो इट्स क्रोमोसोम इज फाउंड इन न्यूक्लियस। लीनियर क्रोमोसोम्स, मैनी क्रोमोसोम्स, यूजली 50 क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब सिंपल बॉडी सेल, यानी कि सेक्स सेल्स के अलावा बाकी सेल्स में अगर हम बात करें तो 50 क्रोमोसोम, यानी 10 से 50 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। मेड अप ऑफ डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स, देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन्स इन प्रोकैरियोटिक, सो इन यूकैरियोटिक ओनली हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। कॉपीज इट्स क्रोमोसोम्स, ग्रोस सेल एंड देन डिवाइड्स इक्वली थ्रू माइटोसिस। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पर के हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो इसमें नहीं पाई जाती। इसमें क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रोमोसोम की पैकेजिंग नहीं होती इतनी खास, तो इसलिए फिर उसकी हिस्टोन प्रोटीन्स की भी ज़रूरत नहीं। हिस्टोन प्रोटीन्स इसलिए ज़रूरी होती है कि क्रोमोसोम को पैकेज किया जा सके पैकेजिंग के लिए। कॉपीज इट्स क्रोमोसोम, ग्रोस सेल एंड देन डिवाइड्स इक्वली थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस में क्या है, ये इक्वली डिवाइड हो जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारे पास यानी क्रोमोसोम्स इन इंटरफेस।
अब हम देख रहे हैं कि सेल डिवीजन के डिफरेंट फेजेस में कैसे कैसे क्रोमोसोम हमें नजर आते हैं। फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, एक्चुअली ड्यूरिंग इंटरफेज वी फाउंड द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, मीन्स सीधा गानोमा साखतों में ही हमें क्रोमोसोम पाया जाता है। सिर्फ ईच कॉपीज आर डिस्टिंक्ट ग्लोबुलर डोमेन और टेरिटरी विद इन द इंटरफेस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो हर कॉपी होती है उसकी खास, फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, कुछ क्रोमेटिन यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ क्रोमेटिन यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ क्रोमेटिन यहाँ पड़ा हुआ है। इस तरह हर कॉपी की एक खास डोमेन होगी, खास जगह होगी न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम्स इन माइटोसिस, ड्यूरिंग माइटोसिस फाइन लेवल ऑफ क्रोमोसोम पैकेजिंग अकर्स एट माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान मतलब सेल डिवीजन के दौरान क्या है, तकरीबन सारा का सारा क्रोमोसोम अच्छी तरह पैक हो चुका होता है। ओके, इन दिस सिनेरियो वी विल डिस्कस अबाउट G2 फेज ऑफ क्रोमोसोम। ड्यूरिंग G2 फेज सारा का सारा हमें ये नज़र आ रहा है क्रोमोसोम कैसा है, क्रोमेटिन की फॉर्म जो कि डुप्लीकेट हो चुका है। फिर अगला क्या आती है, प्रोफेज आती है, उसमें क्रोमोसोम्स बन जाती हैं, सेंट्रोमियर प्रॉपर होता है। फिर बाद में क्या होता है, ये जो प्रो मेटाफेस मतलब मेटाफेस से थोड़ी देर पहले, तो यहाँ क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स अब अलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं और साथ ही ये जो इसके न्यूक्लियर एनवेलप के फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग हो रहे हैं। ये नॉन काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये फिर क्या है, अलाइन हो गए हैं क्रोमोसोम्स, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेज पर हमें डिफरेंट क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मेटाफेस प्लेट। ये क्या बन गई है, ये जब क्रोमोसोम्स इस तरह अलाइन हो गए हैं तो इसको बोलते हैं मेटाफेस प्लेट। मेटाफेस प्लेट के बाद ये क्रोमोसोम्स यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स बन गए अब ये, और ये फिर से इस तरह फ्रेगमेंट्स यानी कि अलग अलग हो गए, एक अलग से यानी टेलोफेज में अलग हो जाते हैं, और साथ में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है, और ये फिर से इनके दरमियान यहाँ पर क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर इनवेलप बन जाएगा, ठीक है। शॉर्टिंग ऑफ क्रोमोसोम्स अकर थ्रू, अच्छा ये जो दो पॉइंट्स हैं ना ये असल में माइटोसिस के ही हैं, हमने माइटोसिस स्टार्ट किया ना, क्रोमोसोम्स इन माइटोसिस, सो माइटोसिस में कैसे क्रोमोसोम्स हैं ये उसी की बात है। शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स थ्रू अ हेलिकल कॉइलिंग ऑफ सेंट्रल क्रोमोसोम एक्सिस स्कैफोल्ड। अभी सेंटर में एक प्रोटीन होती है, उसके ऊपर क्रोमोसोम लिपटा होता है, तो वो जो प्रोटीन को बोलते हैं स्कैफोल्ड प्रोटीन। लेट मी चेंज द कलर, दिस प्रोटीन दिस इज अ स्कैफोल्ड प्रोटीन। अब वो जो स्कैफोल्ड प्रोटीन के ऊपर क्रोमोसोम लिपटा हुआ है उसको बोलते हैं उसकी कॉइलिंग होना, इसकी कॉइलिंग से ही क्या हो जाता है, वो जो क्रोमोसोम का साइज शॉर्ट होता है। द क्रोमोसोम्स आर विजिबल एट अ फेज और माइटोसिस विच इज मेटाफेज। वो वाली फेज जिस पर क्रोमोसोम मैक्सिमम विजिबल होते हैं वो कौन सी फेज है, मेटाफेज। क्रोमोसोम्स एट मियोसिस, इन मियोसिस सेंट्रोमियर्स प्ले अ वाइटल रोल। असल में मियोसिस के दौरान सेंट्रोमियर्स का असल रोल होता है मेन, ठीक है। ए डू नॉट लूज द कोहेजन बिटवीन टू सिस्टर क्रोमेटिड्स इन मियोसिस वन। मियोसिस वन के दौरान कोई ये अलग नहीं होते, ये अगर ये दो ये क्रोमोसोम है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अलग नहीं होंगे, जैसे अभी हमने माइटोसिस में देखा वो अलग होती हैं। रिकम्बिनेशंस अकर थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टिकल अपरेटस बिटवीन द पेयर्ड क्रोमोसोम्स। पेयर्ड क्रोमोसोम्स के दौरान नहीं, वहाँ पे साइनेप्टिकल अपरेटस बनता है, मतलब दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो ये मतलब बराबर हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं साइनेप्सिस या साइनेप्टिकल अपरेटस बनना, तो इस तरह बनता है इसमें मियोसिस में। देखो यहाँ पर देर आर टू कंडीशंस, टू सिनेरियो ऑफ मियोसिस। इन वन G1 ये दो हैं क्रोमोसोम्स, ये फिर चार हो गए, डुप्लीकेट हो गए,
तो ये अब अलग अलग हुए क्रोमोसोम, मतलब कोई इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, ये आपस में नहीं मिले। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये देखें इनके अंदर क्या हो रही है, यहाँ पर अंदर क्या है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर से ये जो पार्ट्स इनके अलग हो गए हैं, तो पार्ट्स एक्सचेंज हो गए। यहाँ पर पार्ट्स एक्सचेंज होने के बाद कोई एक का पार्ट उधर उधर लग गया है, उसका पार्ट उधर एक्सचेंज हो गया है, तो ये फिर आगे सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह इनके अंदर रिकम्बिनेशंस आती हैं मियोसिस के दौरान। माइटोसिस के दौरान रिकम्बिनेशन नहीं आते, मियोसिस के दौरान रिकम्बिनेशंस आते हैं। ओके फ्रेंड्स।